नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं स्नेहा भारती आपके साथ। बिहार में कोरोना के साथ साथ बाढ़ ने तबाही मचा रखी थी। कुछ दिन पहले बाढ़ के कारण बिहार के कई जिले प्रभावित हो रखे थे। हालांकि कई जिलों को बाढ़ से निजात भी मिला, लेकिन तीन दिन की बारिश के कारण फिर से बिहार के कई जिले बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। बता दें कि नदियों का जो जलस्तर है वो काफ़ी बढ़ गया है और साथ ही साथ नेपाल से भी पानी छोड़े गए हैं, जिससे बिहार के कई जिलों में बाढ़ की स्थिति फिर से उत्पन्न हो गई है। लोगों ने चैन की सांस ले ली थी, लेकिन लगता है लोगों की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रहा है। बिहार की जनता बाढ़ से त्राहिमाम है। आपको बता दें कि गोपालगंज में भी फिर से बाढ़ ने दस्तक दे दी है। बाढ़ के कारण गोपालगंज के कई जिले प्रभावित है। आपको बता दें कि जिस तरह से फिर से बाढ़ के पानी ने तबाही मचा रखी है। सबसे ज़्यादा तबाही बरौली प्रखंड में हुई है। बरौली के देवापुर में सारण बांध के टूटने के बाद सबसे पहले बाढ़ का पानी बरौली के देवापुर, पचरुखिया, नवादा, सिसई सहित कई पंचायतों में पहुंचा, लेकिन बाढ़ की सबसे ज़्यादा मार बरौली नगर पंचायत के सभी वार्डों में पड़ी है। यहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरह से NH 28 से बरौली बाजार को जाने वाली मुख्य सड़क बाढ़ के इस पानी में तेज बहाव की वजह से कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। यहाँ सड़क के दोनों तरफ दर्जनों पेड़ थे जो पानी के तेज बहाव में बह गए। सड़कें जगह जगह जर्जर हो चुकी है। पानी में डूबे होने की वजह से इन सड़कों में बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं, जिसकी वजह से अक्सर लोगों की गाड़ी तेज मझधार में फंस जाती है। करीब 10 किलोमीटर तक इस सड़क पर पानी बह रहा है। NH 28 से कहला गांव तक सड़क पर पानी बह रहा है, जिसमें वैसे लोगों को सबसे ज़्यादा परेशानी है जो अपने बच्चों के साथ स्कूल ले जाते हैं या फिर बाज़ारों में जाते हैं, या फिर ऐसे लोग जो बुजुर्ग हैं बाइक से भरे पानी से भरे रास्ते पर चलने को विवश है। बाढ़ पीड़ितों के मुताबिक इन्हें कोई भी जरूरी काम निपटाने के लिए जान जोखिम में डालकर जाना पड़ता है। तो फिर से बिहार के कई जिलों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर चुका है और बाढ़ से जनता त्राहिमाम है। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि जनता इस तबाही से जनता को कब निजात मिलता है। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप सिटी पोस्ट लाइव को देखते रहे। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। तब तक लिए धन्यवाद।